तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स कुकिंग और मैं हूं आपका दोस्त विनीत कुमार। तो आज के वीडियो में 5 मिनट में रसमलाई कैसे रेडी करें बताना जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको 1 कप मिल्क पाउडर लेना है, जिसमें से आप 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर अलग कर लेंगे एक बाउल में, और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बूरा, लगभग 3 चम्मच के लगभग बूरा ऐड करेंगे। और आधा चम्मच के लगभग हम ऐड करेंगे इसमें देसी घी। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास मिल्क लिया है, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके हम इसका पेस्ट रेडी करेंगे। तो मिल्क जो ऐड करना है आपको, बहुत धीरे धीरे ऐड करना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मिल्क इसमें हम ऐड करेंगे। तो इसका इस तरीके से हम गाढ़ा पेस्ट जो है रेडी कर लेंगे। तो हमारा जो पेस्ट है वो रेडी हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने 1 ग्लास मिल्क लिया था, उसमें से जो मिल्क बचा है उसको एक दूसरे बाउल में लेंगे हम, और उसमें ऐड करेंगे जो बचा हुआ मिल्क पाउडर था, लगभग 3 चम्मच के लगभग हम मिल्क पाउडर उसमें ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो मिल्क यूज़ किया है उसका जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ना ही गर्म हो और ना ही ठंडा हो। तो मिल्क पाउडर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो बूरा, 2 से 3 चम्मच बूरा, बूरा आप स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। तो बूरे को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए आप इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा केसर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर, चुटकी भर केसर यूज़ करूँगा। और हमारा जो रस मलाई का रस है, मिल्क है, वो रेडी हो गया है बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए अब इसको हम साइड रख देते हैं और अपने रस मलाई रेडी कर लेते हैं। तो इंस्टेंट रस मलाई कैसे रेडी करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं वाइट ब्रेड यूज़ कर रहा हूँ। तो ब्रेड को क्या करना है, गिलास या कोई कटोरी से ले आपको गोल गोल काट लेना है। आपको जितनी रसमलाई रेडी करनी है तो उस हिसाब से आप ब्रेड ले सकते हैं। तो एक रसमलाई में 2 ब्रेड लगने वाले हैं, 2 पीस ब्रेड। और इसी तरीके से अपने सारे ब्रेड हम काट के रेडी कर लेंगे। आपको यदि थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ब्रेड से रसमलाई, तो एक बार बना के देखिए, फिर कमेंट्स करके बताइए कि ब्रेड से जो रसमलाई थी वो कैसी लगी आपको। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो सारे पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स, क्या करना है, जो मैंने जो पेस्ट बनाया था मिल्क पाउडर का, तो मिल्क पाउडर के पेस्ट में क्या होता है, मावा का स्वाद आ जाता है। तो इसका हम एक छोटी सी टिक्की टाइप का गोल टिक्की बनाएंगे। तो गोल टिक्की बना के जिस साइज का हमने ब्रेड काटा है उस साइज का इसको हम कर लेंगे, और ब्रेड का एक पीस लेंगे, बीच में इसको रख के एक पीस ऊपर से लगा देंगे। तो एक पीस ऊपर से लगाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, और इसी तरीके से हम अपने सारे पीसेज रेडी कर लेंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेड से रेडी हो रही है तो मिठाई जो है स्वादिष्ट नहीं बनेगी, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। हमारी रसमलाई रेडी हो गई है, हमारा मिल्क भी रेडी है। तो चलिए ड्रेसिंग कर लेते हैं। तो एक प्लेट में आप चाहें तो इसको डीप भी कर सकते हैं मिल्क में। मैं यहाँ पर इसको एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिखाना भी, लुक भी दिखाना होता है, तो इसलिए मैं एक प्लेट में 4 पीस लेके
उस पर जो अपना मिल्क रेडी किया है मिल्क डालेंगे ऊपर से। तो आप जो मिल्क की क्वांटिटी है वो अपने ब्रेड के अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेड क्या होता है मिल्क जल्दी सोख जाती है। तो ब्रेड के ऊपर हम अच्छी तरह से मिल्क डाल देंगे। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हरा पिस्ता डालेंगे। इस पे लुक जो है हरा पिस्ता से बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है, और इसका जो स्वाद आने वाला है ना, जो हमने इसमें मिल्क पाउडर का पेस्ट यूज किया है ना, जो स्वाद है उसमें स्वाद आने वाला है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो, 5 मिनट में ये रेडी हो सकता है, और 5 मिनट में आप रसमलाई बना सकते हैं। इसका जो स्वाद है बिल्कुल रसमलाई की तरह आएगा आपको, मेरा यकीन मानिए। एक बार बना के देखिए और कमेंट्स बॉक्स में आके बताइए कि क्या आपकी रसमलाई वाकई में अच्छी बनी थी। मैं आपको चेक करा देता हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है, क्योंकि इसमें उन्होंने ब्रेड यूज़ किया है इसलिए बहुत ही सॉफ्ट है ये, और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से मेरे वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।